उत्तर प्रदेश तरक्की की राह में एक नया कीर्तिमान हासिल करने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। फिलहाल योगी जी ने अभी इसके निर्माण के लिए 695 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। तो दोस्तों आज बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, अभी कहां कितना काम हो रहा है और यूपीडा के अनुसार अभी कितनी जमीन इसके लिए मिल चुकी है, और फर्रुखाबाद में नारा चल रहे लोगों को क्या गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलेगा, और क्या वाकई ये 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी आधारशिला पिछले साल के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, ये कई मायनों में उत्तर प्रदेश का सबसे फायदेमंद एक्सप्रेसवे होगा। बात चाहे एग्रीकल्चर की हो, एजुकेशन की हो या रोजगार की, ये सभी मायनों में उत्तर प्रदेश का सबसे हेल्पफुल एक्सप्रेसवे होगा। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल हैं। ये 594 किलोमीटर लंबा एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसके निर्माण कार्य में करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ पाएंगी। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी शाहजहांपुर में, जिससे इस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो सके। फिलहाल फर्रुखाबाद के लोग जो गंगा एक्सप्रेसवे को अपने शहर से गुजारना चाहते थे, उनके लिए बता दूं, अभी योगी जी ने विधानसभा में इसका एक हल निकाला है। उन्होंने कहा है कि फर्रुखाबाद को एक लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो लोग मेरठ 7 की बजाय 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। साथ ही प्रयागराज तक का सफर 10 घंटों से घटकर 5 घंटे का रह जाएगा। सूत्रों की माने तो ये लिंक रोड फर्रुखाबाद के अमृतसर से शुरू होगा और शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास कोलाघाट तक पहुंचेगा, और इसी जगह से लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। बात करूं इस एक्सप्रेसवे से मिलने वाले फायदे की, तो यहां पर औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जगह जगह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, और जो जमीन यूपी डाको इस एक्सप्रेसवे के लिए मिल चुकी है उस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जिसे 2024 तक पूरा करने का टारगेट है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की अपडेट, और अगर आप ऐसे ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।